A2 मोटिवेशन को तो आप जानते ही होंगे, उनका भी हाल कुछ इस तरीके से हो गया है जो हाल इन लोगों का हुआ है। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। A2 मोटिवेशनल क्या बोलते हैं वो पहले सुनिए, उससे आपको पता चलेगा कि इनके दिमाग में कितना अनभक्त भरा हुआ है। ये खुद से ही कहते हैं कि मैं अनभक्त हूँ, हाँ मैं बिका हुआ हूँ, मेरा पूरा परिवार बिका हुआ है। हाँ मैं अनभक्त हूँ और मैं बिक चुका हूँ, और मैं क्या, मेरा पूरा परिवार बिक चुका है। और तो वही वाली बात हो गई जो कि पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करूं। सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। और ये यहीं तक नहीं रोकते, यहाँ तक भी बोलते हैं कि और अगर अब तुम्हें याद आ गया है कि वो भगवान श्री राम का मंदिर किसने बनाया था कि उसका सपोर्ट तुम लोगों को करना है, यानी उनके कहने का मतलब ये है कि मोदी ने मंदिर बनाया था तो आप उसी को वोट दो। इसके कहने से माने तो सिर्फ इसलिए मोदी को वोट दो क्योंकि उन्होंने हिंदू के लिए एक मंदिर बनवा दिया है और इस मंदिर के बेसिस पर उन्हें वोट दो। आपको कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं है, देश में बढ़ती महंगाई की कोई जरूरत नहीं है, देश के युवा के लिए बात नहीं होनी चाहिए, जॉब्स के लिए बात नहीं होनी चाहिए, बढ़ते हुए गैस के दाम पर बात नहीं होनी चाहिए, मणिपुर जल रहा है इसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए, लद्दाख पर 21 दिन तक प्रोटेस्ट हुए उस पर बात नहीं होनी चाहिए, इस बात पर मोदी को वोट दिया जाए कि इन्होंने मंदिर बना दिया है। ये खुद से ही बोलते हैं कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। जब इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन हो रहा था ना, तब मेरे दादा और परदादा पाकिस्तान में हमारी पुश्तैनी जमीन थी। पर ये पाकिस्तान से आने का रीजन बताते हैं कि वहां पर हिंदुओं को काटा जा रहा था, वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा था, जिसके वजह से उन्होंने वहां पर पाकिस्तान को छोड़ करके इनके बाप दादा इंडिया आए हैं। कि भैया आप हिंदुस्तान क्यों हैं, जवाब क्या मिला पता नहीं। वो कहते कि उस वक्त वो लोग जिस तरह से हिंदुओं को काटते थे, हमें समझ में आ गया था कि आज नहीं तो कल हमारा भी नंबर आ सकता। वो गलत नहीं, आप 1947 का पाकिस्तान का जनसंख्या का डेटा निकाल के देखें, 1947 के सेपरेशन के टाइम पे पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या थी 20%, लगभग 20%, लेकिन आज के समय कितनी है पता है, 1% से भी कहाँ गए सारे। और इस मिस इन्फॉर्मेशन से लोगों तक बहुत ही गलत इंटेंशन जाता है। ये बोलते हैं कि अभी जो करेंट पाकिस्तान में हिंदू का पॉपुलेशन है वो 0.1% है, और ये बिल्कुल सरासर झूठ है। अगर सच्चाई आपको बताऊं कि अभी पाकिस्तान में पॉपुलेशन हिंदुओं का कितना है तो 2.14% अभी पॉपुलेशन है पाकिस्तान में हिंदुओं का, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इनका दावा है कि 20% से घट करके अगर 2% तक आ गया है, इनका कहना है 0.1% तक आ गया है, तो इसका मतलब ये है वहां पर हिंदुओं को काटा गया है, वहां पर हिंदुओं को मारा गया है, इसके वजह से उनका पॉपुलेशन कम हो गया है। तो मैं आप ही से सवाल करता हूं कि 1951 में 1951 में जो हिंदू का पॉपुलेशन था वो 84.1% था, और अभी 2024 में 2024 में जो हिंदुओं का पॉपुलेशन है वो 78.9% है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अब इंडिया में भी हिंदुओं का काटा गया है, इंडिया में भी हिंदुओं को मारा गया है, इस बेसिस पे तो आप जज नहीं कर सकते हैं। और ये कुछ प्रूफ दिखाते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ किस तरीके से शोषण किया जा रहा है। आपको पाकिस्तान का शोषण नजर आ गया, आपको इंडिया का शोषण नजर नहीं आया। अब मैं अपने देश के बताऊं तो ऐसे कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिस वीडियो में हिंदुओं ने फोर्स किया है मुस्लिम को जय श्री राम बोलने तक। हिंदुस्तान हम बने लिए, बोल हम बने लिए, बोल जय श्री राम, 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 तुम्हारा पंडित के नाम कहूँ ना जा, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, तू बोल, बोल। ये सिर्फ बुलवाने तक नहीं रहते, यहाँ तक कि उन्हें जान से भी मार देते हैं, जैसे रांची का तबरेज अंसारी हो गया। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, मुसलमानों के साथ शोषण किया गया है। तो इस मुद्दे पर बात न करके हमें ये डेमोक्रेसी के बारे में बात करनी चाहिए, हमें बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करनी चाहिए, हमारे देश में जॉब कैसे जनरेट हो इसके बारे में बात करना चाहिए, किसानों के MSP पर बात करनी चाहिए। इन सारों मुद्दों को छोड़ करके अगर हम इन मुद्दों पर लग गए देश किस तरफ जा रहा है। और वीडियो को एंड होते होते तक एक मूवी का सजेशन देते हैं कि आप इस मूवी को जरूर देखें। परिवर्तन कैसे आया धारा 370 नाम से नेटफ्लिक्स पे मूवी है, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है, एक बार जाके देख लेना, तुम्हारी आंखें नहीं खुल जाए ना तो मेरा नाम बदल देना।
तो आपको मैं भी एक मूवी सजेशन करना चाहूंगा कि जो आप वोट देने जाते हो तो वोट देने से पहले आप इस मूवी को जरूर देखें। इस मूवी को देखने के बाद आप वोट डिसाइड कर सकते हैं कि वोट किसको देना है, जो कि है मूवी जवान। आप इस मूवी को फुल पूरे तरीके से देख लेना। तो ये एक ऐसा मूवी है जो कि रियल स्टोरी पर बना हुआ है। तो जो भी आपको वीडियोस में दिखाया जाता है, जो भी मूवी में दिखाया जाता है, वो एक रियल इंसिडेंट हो चुका है जिसके बेसिस पर ये मूवी बनाया गया है। तो आप इस मूवी को देख करके उसके बाद वोट डिसाइड करना है कि मुझे वोट किसको देना है।